महाविकास आघाडीचं सरकार खरं तर संपूर्ण कागदोपत्री पुराव्यानिशी विरोधी पक्षनेते माननीय देवेंद्रजी फडणवीस यांनी हे सिद्ध केलेलं आहे की महाविकास आघाडीचं सरकार हे जनतेच्या कल्याणासाठी नसून ते निव्वळ वसुली सरकार आहे। आणि जर प्रशासक बसवून या सर्व महानगरपालिकांमध्ये प्रशासकाच्या माध्यमातून यांच्या दुकानदाऱ्या आणि वसुलीची कार्ये बिनदिक्कतपणे होत असतील तर यांना निवडणुकांना सामोरे जाण्याची गरजच काय? ही जी मानसिकता आत्ता महाविकास आघाडी सरकारातल्या लोकांची झालेली आहे आणि त्यामुळंच महाराष्ट्रातल्या आज जवळपास 18 महानगरपालिकांमधल्या निवडणुका रखडलेल्या आहेत। महाविकास आघाडी सरकारच्या स्थापनेनंतर मागील 2 वर्षांमध्ये औरंगाबाद नागपूर औरंगाबाद महानगरपालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाही, नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका झालेल्या नाही आणि आत्ता जवळपास 18 महानगरपालिका निवडणुकांच्या प्रतीक्षेमध्ये आहेत। हा या महानगरपालिकांमध्ये राहणाऱ्या सर्वसामान्य रहिवाशांवर मतदारांवर तो अन्याय आहे। जर जबाबदार यंत्रणा आम्ही उभी करू शकत नसलो आणि प्रशासनाच्या आणि प्रशासकाच्या माध्यमातून जर सरकार आखण्याचा प्रयत्न केला तर ते लोकशाहीसाठी काळा दिवस ठरलेला असेल आणि त्यामुळं सरकारने पुढाकार घेऊन ज्या ज्या अडचणी मग त्या कायदेशीर बाबी असतील, ओबीसींच्या न्याय हक्काचा विषय असेल, त्यांच्या आरक्षणाचा प्रश्न असेल किंवा मग निवडणूक पद्धती राज्य सरकारने आपल्या हाती घेऊन त्या पद्धतीचा कायदा केल्याचा करण्याचा प्रयत्न केलेला असेल, या सर्व कायदेशीर बाबी तपासून त्याला पुढे जात सगळ्या पद्धतीचे अडथळे दूर करून त्यांनी लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्या हेच महाराष्ट्रातल्या सर्व महानगरपालिकातल्या लोकांचं म्हणणं राहील। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विकासशील और सर्व धर्म को मानने वाली पार्टी है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विकास का काम किया है, लोगों की समस्या छुड़ाने का काम किया है। महानगर पालिका में जो 20 महानगर पालिका जो स्थगित पड़ी है, जिसका इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उसके बारे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बहुत चिंतित है। कारण ऐसा है कि 2 साल पहले औरंगाबाद और न्यू मुंबई के इलेक्शन डिक्लेयर होने चाहिए थे, लेकिन 2 साल पहले से वो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होने से वहाँ प्रशासक बैठा है और जो 20 महानगर पालिका उसको मिला के 20 महानगर पालिका के जो इलेक्शन नहीं हो पाए उससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चिंता है, क्योंकि 20 महानगर पालिका में प्रशासक बैठने से विकास का काम महाराष्ट्र के अंदर शून्य हो चुका है। कारण लोक प्रतिनिधि नहीं रहने के कारण नागपुर के अंदर अनेक समस्या आज जो है, मैं नागपुर के विषय को बोलना चाहता हूँ कि नागपुर में अनेक समस्या पड़ी है जिसका विकास हो नहीं पा रहा है। प्रशासकीय अधिकारी सुनने के मूड में नहीं है, उनको महानगरपालिका के रास्ते से लेकर गटर लाइन से लेकर पानी से लेकर हर समस्या लोगों की पड़ी है। कई लोक प्रतिनिधि फोन करते हैं, प्रशासकीय अधिकारी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। लोग आज नागपुर शहर में जाइए, कोई अधिकारी खुद सुनने को तैयार नहीं है। आप
देखिए, जो विकास के काम थे, जिसके टेंडर्स हो चुके थे, उसके काम ठेकेदार कर रहे नहीं है, जिससे नागपुर में बहुत बड़ी समस्या इकट्ठी हो गई। महाराष्ट्र का राजकारण का विषय देखो तो महाराष्ट्र के अंदर एसटी महामंडल का आंदोलन चल रहा है, दूसरा ओबीसी का आरक्षण का विषय चालू है, तीसरा राज ठाकरे जी ने एक भोंगे का आंदोलन लाया, फिर लोगों ने हनुमान चालीसा पाठनकरण का एक आंदोलन खड़ा कर दिया। पूरे महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये सब चीज़ों से परेशान हो चुकी है, क्योंकि लोग प्रतिनिधि की का विश्वास राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय जयंत पाटिल जी, आदरणीय अजीत दादा हमारे डीसीएम है, गृह मंत्री हमारे संपर्क मंत्री यहाँ के दिलीप वड़से पाटिल, ये बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर 20 महानगर पालिका के चुनाव हो। हमारे देश के नेता प्रबुल भाई पटेल खुद नागपुर शहर में ध्यान दे रहे, और नागपुर में हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव का पूरा एजेंडा बना चुका है, हमारे हर वार्ड में लोग तैयार हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो। क्या लगता है आपको, तब कब तक हो पाएंगे? अभी जहाँ तक के जो परिस्थिति और आंदोलन और ये सब समस्या देखते हुए ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन सितंबर से नवंबर के दरमियान जाने वाले। हमारे महाराष्ट्र के जो नेता है वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी महानगर पालिका के इलेक्शन हो, लोग प्रतिनिधि बैठे, लोगों के विकास के काम हो, और प्रशासकीय जो आलसीपना चल रहा है, जो लोगों को का काम नहीं हो रहा है, वो जल्द से जल्द चालू हो जाए।